मिनिएचर पेंटिंग्स, एनी पेंटिंग डन इन स्मॉल साइज इन एनी मीडिया एंड ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। हम जो भी पेंटिंग्स बनाते हैं छोटे साइज में, छोटे साइज में मतलब कि जो भी हम पेंटिंग्स बारीकी में बनाते हैं, जैसे उसकी हर एक डिटेल दिखाते हैं, उसको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं। इट इज़ जनरली पेंटेड ऑन पाम लीव, तारपत्र, भोजपत्र, अ पीस ऑफ क्लोथ, अ पीस ऑफ लेदर और आइवरी। अब आपको पता है कि सबसे पहले तो हमारे पास शीट्स होती नहीं थी। जो भी हमारे आर्टिस्ट थे, जो भी पेंटर्स थे, वो सबसे पहले उन्होंने अपना पेंटिंग्स जो बनानी स्टार्ट की हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स जो बनाते थे वो वह पाम लीव्स के ऊपर बनाते थे, जैसे जो भी उनको लीव्स मिलती थी। भोजपत्र, आपको पता है कि पहले जो ट्रेडिशन में जिसके जिसके ऊपर रख के खाना खाते थे, भोजपत्र उसको कहा जाता था, ठीक है, तारपत्र कहा जाता था। उनके ऊपर हमारे आर्टिस्ट जो थे, हमारे जो पहले आर्टिस्ट थे, उन्होंने उनके ऊपर पेंटिंग्स की हैं उन लीव्स के ऊपर। और जैसे कि पीस, कोई क्लोथ का पीस है, कोई भी पीस ऑफ क्लोथ है, कोई भी लेदर का क्लोथ है, आइवरी शीट्स हैं, वो सारा का सारा जो है, वो पार्ट जो है वो आर्ट में ही आता है। पहले वाले आर्टिस्ट जो थे वो इन पेंटिंग्स को जो है, इन जो भोजपत्र और तारपत्र पाम लीव्स के ऊपर बनाते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पहले शीट्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को इनके ऊपर बनाना स्टार्ट किया। और मिनिएचर का मतलब होता है कि स्मॉल साइज में जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और राजस्थानी की पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत ही फेमस है मिनिएचर पेंटिंग्स में। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग्स एंड ऑल, क्योंकि मिनिएचर में हम एक पेंटिंग में हर एक चीज़ की डिटेल दिखा देते हैं, उसका पूरा एक सीन क्रिएट होता है। चाहे वो सीन में आप कोई भी अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग जो भी सीन बना रहे हो, और उसके बीच में आप हर एक पोर्शन को दिखाना चाहते हो, तो उन्होंने हर एक पोर्शन को, हर एक डिटेल में जो है उसको पेंट किया है, उसको दिखाया है। और इसमें भी यही बताया गया है बुक में भी आपकी, कि द मिनिएचर पेंटिंग इज़ प्रेजेंटेड विच इज़ मिनट डिटेल। मिनट डिटेल का मतलब है कि उन्होंने हर एक पेंटिंग में उनकी टाइमिंग जो है वो बताई गई हैं, कि उसमें आटो टाइम और उसकी डेली लाइफ जो है, जो भी वो कर रहे होते थे या उन्होंने उस टाइम के ऊपर क्या किया, कैसे किया, तो वो उस डिटेल को जो है अपनी पेंटिंग्स में दिखाते थे। अब आपको ये भी पता है कि जो पहले राजस्थानी अगर की बात करें, तो सबसे पहले जो उनके राजस्थान में जो भी किंग हैं, उनके राजाज हैं, उनको पेंटिंग्स बनवाने का बहुत शौक होता था। वो अलग अलग पोजेज में, अलग अलग पोस्चर में जो अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे। और उनके राज्य में, उनके किंगडम में, हर एक किंगडम में जो है अपने, उन्होंने किंग्स ने जो अपने आर्टिस्ट रखे होते थे, बहुत सारे आर्टिस्ट। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जो राजा था, उन्होंने अपनी जो भी पोस्चर बनवाते थे, एक सीन बनवाते थे, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को सेम सीन बनवाने के लिए वो कहते थे। एक राजा बैठा होता था जैसे किसी सिंहासन पे, किसी थ्रोन के ऊपर, वो अपनी पेंटिंग को बहुत सारे आर्टिस्ट को पेंट करने के लिए कहते थे। इसमें वो जो है, वो पेंटर्स जो है अपने अपने अकॉर्डिंग वो अपनी इलस्ट्रेशन बनाते थे, अपनी अपनी पेंटिंग बनाते थे। और वही किंग जो है हर एक आर्टिस्ट को अलग अलग पे करता था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे अपने राज्य में रखे होते थे। और ये है कि मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो मिनट डिटेल का मतलब ये है, मिनट डिटेल तो ये है कि जैसे वो पेंटिंग्स अगर उन्होंने मॉर्निंग में स्टार्ट की होती थी, तो वो मॉर्निंग को ही वही पेंट का सीन जो है कंप्लीट करते थे, कि उसमें वो सारा मॉर्निंग सीन का जो भी पोस्चर होता है, कि वो सन राइज हो रहा है या सन ईस्ट है, वो सारा का सारा डिटेल उन्होंने उसमें दिखाना होता था। इट मे बी पोर्ट्रेट, इलस्ट्रेशन और एनी स्टोरी और सीन फ्रॉम अ डेली लाइफ। जो भी जो किंग्स थे, जो अपनी स्टोरी और उनका जो डेली लाइफ का जो भी पार्ट होता था, उनको वह अपने किंग्स को जो था वो पार्ट पेंट करवाने का बहुत शौक था। इसलिए वो अपने डेली लाइफ में जो भी करते थे, उनको अपनी पेंटिंग्स के अकॉर्डिंग जो थ्रो एक्सप्रेस करते थे, अपनी आर्टिस्ट
सबको बोलते थे कि मतलब वही सीन बनाना है जो वो डेली लाइफ में जैसे भी वो जो भी करते थे। फ्रॉम मेडिवल पीरियड 600 टू 1500 AD ऑनवर्ड्स वी फाइंड हेल्दी ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। एग्जाम्पल पालर स्कूल ऑफ आर्ट, जैन स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। History of miniature paintings. After the Mughals and fresco of Ellora and Ajanta paintings, a large number of manuscripts of palm leaf related to the Buddhist theme were written in illustrated with the image of Buddhist detail in at the center. इसका मतलब है कि जैसे आपको पता है अजंता और इलोरा में जो पेंटिंग्स, जो भी म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं जो कि हम वॉल के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने सारी की सारी पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स जो हैं वो वॉल्स के ऊपर बनाई हैं, और उन्होंने फ्रेस्को टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल किया था उस टाइम में, और वो सारी की सारी पेंटिंग्स जो थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तब बुद्धिस्ट का जो समय था और बुद्धिस्ट की हिस्ट्री, उनकी स्टोरी, जो भी उनकी मतलब डेली लाइफ के ऊपर जो सीन्स हैं वो उस अजंता पेंटिंग्स और इलोरा पेंटिंग्स में बनाए गए हैं। और इसमें रेड कलर का जो है वो लेवलिशली यूज़ किया गया है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा रेड कलर एंड नेचुरल जो कलर्स थे वो पहले वो यूज़ करते थे, अब तो बहुत सारे कलर्स आ गए हैं आपको, पोस्टर कलर्स, ऑयल कलर्स एंड एक्रेलिक कलर्स, बहुत सारे टाइप के ऑयल पेस्टल्स कलर्स, बहुत सारे टाइप के कलर्स अब आपको मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन पहले जो आर्टिस्ट थे उनके पास कलर्स भी नहीं थे और उनके पास कोई शीट्स भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने शीट्स की बजाय उन्होंने पाम लीव्स एंड ताड़पत्र, भोजपत्र और किसी कपड़े के ऊपर पेंट करना या किसी लैदर के ऊपर पेंट करना उन्होंने स्टार्ट किया, और नेचर से ही सारे कलर्स लेते थे। लेकिन अब जो है वो बहुत सारा जो मटेरियल जो अवेलेबल है मार्केट में आर्ट से रिलेटेड तो बहुत सारा मटेरियल है, आप कोई भी टाइप के कलर्स और कोई भी टाइप की कलर शीट ले सकते हो और अपना काम उसमें आसानी से कर सकते हो। और मिनिएचर के बारे में बात करें तो मिनिएचर का मतलब यही है कि एनी पेंटिंग डन इन स्मॉल साइज और एनी मीडिया, कोई भी किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी पेंटिंग को बनाना, छोटे साइज में बारीकी से बनाना और उसमें सारी डिटेल उसकी दिखाना, उसको मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट अब मैं इसका जो है राजस्थानी पार्ट स्टार्ट करूँगी, राजस्थानी का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। Thank you.